बावल महेंद्र लड़ेंगे जिला परिषद के वार्ड 17 चुनाव। गांव बालावास निवासी महेंद्र सिंह ने विजयदशमी पर्व पर शहीदों को नमन करने के बाद अपने चुनावी कार्यालय का उद्घाटन किया। वे जिला परिषद के वार्ड 17 से जिला पार्षद का चुनाव लड़ रहे हैं। इस मौके पर उन्होंने इस कार्यक्रम में पहुंचने वाले सभी ग्रामीणों का आभार जताया। उन्होंने आगामी जिला परिषद चुनाव में उनको अपना मत देने की ग्रामीणों से अपील की। मैं महेंद्र सिंह, गांव बालावास, हल्का बावल, जिला रेवाड़ी, हरियाणा। आज दशहरे पे क्या कार्यक्रम था जी? दशहरे पर सबसे पहले तो मेरे गांव वासियों, मेरे हल्का वासियों, प्रदेश और देशवासियों को दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं। और दशहरे के ऊपर हमने अपना एक चुनाव कार्यालय का ओपनिंग की है। जिला परिषद के चुनाव होने हैं। मैं वार्ड नंबर 17 जिला परिषद रेवाड़ी से कैंडिडेट हूं, चुनाव लड़ रहा हूं। और उस उपलक्ष्य में हमने आज जिस हिसाब से भगवान श्री राम ने रावण बुराइयों का अंत करके एक नए युग की शुरुआत की, हम एक नए युग की शुरुआत करेंगे अपने ऑफिस का, इसलिए हमने उद्घाटन किया है। आपके वार्ड में कितने गांव आते हैं जी? हमारे वार्ड में 25 गांव आते हैं। और सभी 25 गांव के आज जो मेरे बुजुर्गों ने जो आकर के मेरे को आशीर्वाद दिया, युवाओं ने जो साथ निभाया, साथ दिया, और आगे चुनाव में विजय दिलाने का जो उन्होंने निश्चय लिया, संकल्प लिया, मैं उनका सबका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं, नमन करता हूं बड़े बुजुर्गों। आज आपने अपने कार्यालय से दो शहीद मार्ग पे गए हैं, कहाँ कहाँ क्या क्या था थोड़ा बताएंगे? हमारे गांव के शहीद सूरजवान राठी, हमारे संदीप राठी, सबसे पहले हमने शहीदों को नमन किया, उनको पुष्प अर्पित किए। उसके बाद में हमारे देश के दो महान दो नेता हुए हैं, उसमें सर छोटूराम जी और ताऊ देवीलाल जी को भी हमने पुष्प अर्पित किए, माल्यार्पण की, उनको नमन किया। 25 गांव से लोग आए हैं, उन्होंने अपना उत्साह और प्यार दिखाया है, उसमें अपने मोहम्मदपुर से सरपंच साहब, एक सरपंच करण सिंह साहब, एक सरपंच कालदावास से नंबरदार साहब, रूद से एक सरपंच, और सभी, मैं किस किस का नाम बताऊं, सभी लोग आए हैं। बहुत लंबी लिस्ट है, ठीक है ना। सभी ने जो आकर के मेरा जो हौसला बढ़ाया, उसके मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। जनता से क्या अपील करेंगे आप? जनता से मैं यही अपील करूंगा, आप मेरे को विजय बनाए, ताकि मैं आप लोगों का आगे भविष्य में सदा जिंदा कर रहा हूं, आपकी सेवा कर सकता हूं। यही मेरी जनता से अपील है कि आप मेरे को भारी बहुमत से विजयी बनाएं।